यह कहानी सीता माता कहती थी और श्रीराम इसे सुना करते थे। एक दिन श्रीराम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्रीराम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। डॉट डॉट। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि आई कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर चाव से सुनाई जाती है।